इंग्लिश तो मैं आराम से बोल सकता हूँ, आप सब जानते हैं, लेकिन उर्दू में जितना एक्सप्लेनेशन मैं दे सकता हूँ या कोई भी मुकर्रर दे सकता है या कोई भी, मैं तो मुकर्रर नहीं हूं ऐसे, वैसे आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए आया हूं। मेरे जहन में दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले मैं जो हेड ऑफ द बॉय है उनसे मैं गुजारिश करूंगा मेरे पास आ जाए प्लीज। आपसे एक सवाल पूछता हूं, बिल्कुल डिस्क्रेट नहीं कर रहा हूं, एक सवाल पूछता हूं ताकि मालूम के मेरी भी मालूम के लिए आपके भी मालूम के लिए। ये जो न्यू शम्स स्कूल है, ये जो न्यू शम्स स्कूल है, ये शम्स किनका नाम है? ये शम्स है ना, शम्स किनका? शम्स किस शख्सियत का नाम है? वेरी गुड। मैं मैनेजमेंट से गुजारिश करूंगा, ये जो शम्स जो नाम डाला गया है वो हमारी बहुत ही मोतबर शख्सियत है, मरहूम झुकाकू शमसुद्दीन साहब, और हमारे मिनिस्टर थे वो, और हमारी कौम के लिए हमारे पास जो बिजली आई हुई है उनकी तुफेल से आई हुई। बच्चों और बच्चियों खास तौर पर जहन में रखो कि ये जो शम्स नाम है ना, ये नाम झुकाकू शमसुद्दीन साहब का नाम है, और इस नाम से इस स्कूल को मंसूब किया गया था, और उस वक्त माशाल्लाह बहुत सारे लोग कुर्बानी दिए हुए थे। मैं नाम ले सकता हूं बहुत सारे, अल्लाह ताला मफरत करे उनकी, और बहुत सारे लोग जिंदा हैं, समझ गए। इन सबों की कोशिशों से एक वेल ऑर्गेनाइज स्कूल है ये, यहां पर एक मुनज्जम तरीके से स्कूल और जो भी बच्चों की बाकायदा तरबियत होती है, और इसीलिए इसका नाम इदारा तरबियत इख्वान। दूसरी चीज, आप बेटा आ जाओ इधर, क्या नाम आपका बेटा? मोहम्मद राहिल। कोई डिस्टेज वगैरह करने की, मैं मालूमात के लिए बोल रहा हूं आपको, बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं था कि ये शम्स जो है झुकाकू शमसुद्दीन का नाम है, जो हमें भटकल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किए थे। दूसरा नाम है सैयद अली कैंपस, सही है ना, ये किनका नाम है जी? सैयद अली कैंपस जो है हमारे मोहतरम हमारे कायद एसएम सैयद खलील रहमान साहब के वालिद मोहतरम का नाम है। जाइए, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये आपकी मालूमात के लिए बहुत जरूरी है। हमारी कौम में हमारे कौम के जो असलाफ हैं, हमको एक मुकम्मल कौम और मुकम्मल जाब्ते हयात देकर इस दुनिया से रुख्सत हो गए हैं, और बहुत सारे लोग यहां पर हैं जो खिदमत कर रहे हैं। मुझे चंद नाम याद आ रहे हैं, हमारे अल्लाह ताला उनको जजाय खैर दे और उनको सियात व आफियत के साथ रखे, हमारे अब्दुल कादिर बादशाह मोहम्मद अब्बू साहब, एक ऐसी शख्सियत है ये, इनके बारे में अगर मैं बोलना शुरू कर दूं तो तकरीबन रात सारी पूरा दिन चला जाएगा। वैसे ही मेरे उस्ताद मोहतरम और मेरे जो मेरे कायद जो है इकबाल साहब ने कहा 5 मिनट आपको दूंगा, मैं वैसे भी बहुत ज्यादा बात करने वाला आदमी हूं, मैं 5 मिनट से ज्यादा आपसे नहीं लूंगा। बहरहाल बच्चों, आप इस सरजमीन पर बहसियत अशरफ मखलूकात पैदा हुए हैं, सबसे पहले आपको अल्लाह ताला ने शर्फ हासिल किया हुआ है, तो आप पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। आप बहसियत अशरफ मखलूकात, आप हर एक दुनिया की जितनी मखलूकात है उनमें से अशरफ हैं आप, आपको अल्लाह ताला ने शर्फ दिया हुआ है और उस शर्फ के हिसाब से आपको जिंदगी गुजारना है। दूसरी चीज, आपको अल्लाह ताला ने बहसियत बहुत बड़ा इनाम दिया हुआ है, और वो इनाम है क्या? इस्लाम। आप इस्लाम में पैदा होने के बाद, बहसियत मुसलमान पैदा होने के बाद, आपको अशरफुल मखलूकात में उससे बढ़कर आपकी जिम्मेदारियां हैं। अल्लाह ताला आपको इस दीन में पैदा करने के बाद फिर उसके ऊपर पैगाम रसूल भेज दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
की तरफ से आपको पैगाम मिला। पैगाम क्या मिला? पूरा मुकम्मल जाब्ते हयात मिला। और उसमें सबसे बड़ी चीज यह थी कि इकरा, यानी आप पढ़ो। उस वक्त ये नहीं कहा गया कि आप दीनी तालीम ही हासिल करो या असली तालीम ही हासिल करो, नहीं, आप पढ़ो। और पढ़ने के लिए आपको भले जरूरत पड़ी तो चीन तक चले जाओ। अरबस्तान का आप चीन कहां है? इसलिए कि दीन दीन में इल्म की अहमियत इतनी है, जब आप इल्म हासिल करोगे तो आप दौलत कमाने के लिए इल्म हासिल नहीं कर रहे हैं, आप इल्म हासिल कर रहे हैं व्हाट इज द बेस्ट व्हाट इज द वर्स्ट, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप हासिल कर रहे हैं। दीन ये इल्म हासिल किया वो आदमी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़ा मालदार बनेगा। बहुत सारे हजरात ऐसे थे कि इल्म हासिल करके अपने इल्म को दुनिया और आखिरत के लिए निछावर कर दिया। एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनकी सवानी उम्र आप देखेंगे तो क्या था वो। तो इल्म हासिल करने के लिए जहन में बात रखो कि दौलत कमाने के लिए या बड़ा जॉब हासिल करने के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक सही और पक्का और बेहतरीन मुसलमान और बेहतरीन इंसान बनने के लिए भी इल्म हासिल करना जरूरी है। मैं एक लड़का आ जाऊं, मैं उससे एक सवाल पूछूंगा जो 10 में पढ़ता है और हाईएस्ट रैंक लेता है। एक लड़का कोई भी आ जाओ, प्लीज, कौन हाईएस्ट कौन लेता है मार्क्स? आया ना, जाओ बेटा, अरे ये मेरा आयान इदाकुल्ला खुमी का बेटा है, माशाल्लाह, गालिबन वही है ना? नहीं, ये नहीं है, सॉरी। अच्छा आयान, एक बात पूछता हूं मैं आपको, हाउ मेनी आवर्स यू आर स्टडिंग इन योर होम? हार्डली 1 to 2 hours। हार्डली 1 to 2 hours। आर यू स्टडिंग इन फ्राइडे? यस, फ्राइडे ऑल्सो यू आर स्टडिंग। What is the percent? What is your what's, how much marks you secured in 9th standard? 90. Percentage? 97%. Very good. 97% percentage. Okay. Please go ahead. मैं एक चीज यहां पर आपको मैं ज्यादा लेना नहीं चाहता हूं। मैं आपका भाई हूं या बाप हूं या चाचा हूं, जो भी हूं, समझ गए कि मेरे अपने बच्चे। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस स्कूल की मैनेजमेंट ने मुझे मौका दिया आपके साथ इंटरेक्ट करने के लिए। मैं मुकर्रर नहीं हूं, उतनी तकरीर वगैरह करना नहीं जानता हूं, समझिए। बोलते हैं लोग मैं तकरीर करता हूं बोलकर, और मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे जो कायद हैं बैठे हुए इकबाल साहब, समझ गए, वो बोलते हैं कि यार तू बोलता है तो बोलते रहता है, लेकिन मेरी आदत वो नहीं है, मैं कम बोलता हूं लेकिन कोशिश करके काम की बातें करना करता हूं। आपको एक बात बता देता हूं, फ्रॉम जो यूकेजी और एलकेजी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी मां या उनका उस्ताद पढ़ाता है, वो ज्यादा आधा घंटा एक घंटा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में उनका काम खत्म हो जाता है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 4th स्टैंडर्ड तक यू हैव टू स्टडी मिनिमम 4 hours a day, सॉरी 2 hours a day, फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 4th स्टैंडर्ड 2 hours a day, एंड दैट ऑल्सो नॉट इन इवनिंग टाइम, आइदर इट इज आफ्टर मगरिब और फर्स्ट इन द मॉर्निंग, दिस इज वन। सेकेंड, फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड यू हैव टू स्टडी 4 hours एट योर होम, आई एम नॉट टॉकिंग एट योर स्कूल, यू हैव टू स्टडी वेरी सीरियसली इन 6 days। हाउ मेनी आवर्स? 4 hours। After 10 to 12, that is the turning point which you have now. You are going to turn now. Okay. For that purpose, you have to study and you have to struggle and you have to accept lot of challenges. And for that purpose, you have to study 6 hours a day. I'm sure nobody is applying, but you have to do. How APJ Abdul Kalam got that personality? How other people got that personality? Because they accepted the challenge and they spend lot of their time in studies and in mutalia. So those who are studying in PUC after SSLC, they have to study 6 hours.
and then those who are going to graduation and master, they have to study minimum 8 hours a day in your home. Why? Because they are studying in college only 4 hours. They get खाली को लेक्चर सुनते हैं, आकर बैठ जाते हैं. लेक्चर जब सुनते हैं आपको एक बात बताओ, फ्यूचर की बात बताओ. लेक्चर जब आप सुनते हैं तो ट्राई टू टेक द नोट एंड देन प्रिपेयर योरसेल्फ नोट. ये सब चीजें आप अगर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की जात से यकीन है कि आप भटकल में पैदा हुए हैं जहां पर दीन का माहौल भी है और इल्म का माहौल भी है. और फॉर योर इन्फॉर्मेशन भटकल की अभी लिटरेसी जो परसेंटेज है इट इज ऑलमोस्ट 100%. और आज की जो माएं जो हैं, पहले क्या है नाश्ता क्या होता था, अब आज मुड़कले कैली का ना है, अब आज शल्ताला. आज नहीं, आज बच्चों को पूछती है कि होमवर्क कर रहे हो क्या नहीं और देखती है कि होमवर्क हुआ है क्या नहीं है. ये हमारी माएं हमारी बहनें ये इनका बड़ा हिस्सा है. आज हमारी जो कम्युनिटी है वो स्टडी पर और जो इल्म हासिल करने में कामयाब हो. मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, मुझे सिर्फ 5 मिनट दिया गया था और मैं बात करने बैठ जाऊं ना तो फिर पता नहीं 3-4 घंटे भी बात कर सकता हूं, ऐसी बात नहीं है. बहरहाल मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि प्लीज आप लोग चैलेंज एक्सेप्ट करें. आप अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा स्टडीज पर गुजारें. फ्राइडे को जुमे को किताब को हाथ भी मत लगाएं. जुमा जो आपको छुट्टी का दिन है उसको हाथ भी, मार की 6 दिन जो रहते हैं ना उसमें स्ट्रिक्ट रहें. और 5 बजे से लेकर 6 बजे या 7 बजे मगरिब की नमाज तक आप किसी भी प्ले ग्राउंड में जाकर प्ले करें. लेकिन ये पूरा दिन किसी ग्राउंड में जाकर क्रिकेट खेलना कबड्डी खेलना ये इंसान के लिए गवारा नहीं है. तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वक्त की पाबंदी के साथ, जरूरी है ये हमारी सुन्नत है, वक्त का तकाजा. हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज वक्त पर करते थे. हमारी नमाज, हमारी अजान, हमारे रोजे, हमारी जकात, हमारी हर एक चीज वक्त के मुताबिक है. तो मेरे आप लोगों से गुजारिश है कि वक्त का लिहाज रखें और वक्त की कीमत को आप ये जाया करने न दें और वक्त पर हर चीज करने की कोशिश करें और अपने माए बाप की इज्जत और एहतराम करें. और साथ ही साथ और एक चीज आखिर में बोलना चाहता हूं, 3 चीजों के आप एहतराम करें, आप एहतराम और इज्जत करें. एक आपके खुद के माए बाप, माँ और बाप, और दूसरे जो है आपके उस्ताद. आप इस स्कूल से फारिग होने के बाद भी अपने उस्ताद की इज्जत आखिर तक जब तक आप जिंदा हैं अपने दिल में रखें और उस्ताद का एहतराम करें और आकर उस्तादों से मिलें. इसी स्कूल से फारिग होने वाले बहुत सारे बच्चे हमारे गल्फ में हैं और माशाल्लाह अच्छे अच्छे पोजिशन में है. रिसेंटली एक लड़का, इफ आई डोंट मिस्टेकन, अशरफ अहमदा का बेटा, ही गॉट गोल्ड मेडल फ्रॉम हियर. अच्छा, ही गॉट गोल्ड मेडल फ्रॉम अंजाफ. अंजाफ उसको, वो टोयोटा में काम, इस स्कूल में से पढ़ा था वो लड़का. अंजाफ सिद्दी अहमद है सर, गोल्ड मेडल. वो इस स्कूल में पढ़ा था, यहां से आई थिंक 10th करके फिर उसके बाद में बैंगलोर जाकर पढ़ा. He got the job in Toyota first in Dubai. Dubai में Toyota में काम किया तकरीबन मेरे साथ 5-6 साल काम किया. आज वो मजदूरी बोलकर एक कंपनी है वहां का CEO है वो. CEO. और मैं चाहता हूं कि आप सब एक न एक दिन किसी भी कंपनी का CEO बनकर रहे तो मेरे दिल की हसरत पूरा हो जाएगी. जज़ाकअल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच.